सो गाइस आज हम दोबारा से आए हुए हैं यहाँ राहुल मोटर्स पे और मंडे मंडे हम मनाते हैं यहाँ की वीडियो क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत ही अच्छा है। आज मैं आपको सिर्फ ये दिखाने वाला हूँ मिडिल रेंज की गाड़ियाँ जो कि हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप एजेड है, अपाची है, पैशन प्रो है, उसके बाद स्प्लेंडर है, फिर पैशन प्रो है एक्स, ठीक है, इधर एफजेड है। तो ये सारी गाड़ियाँ दिखाऊंगा, मिड रेंज की गाड़ियाँ हैं क्योंकि भाई लोगों का कमेंट आता रहता है कि भाई थोड़ी छोटी गाड़ियाँ दिखाओ, ठीक है, थोड़ी कम रेंज की गाड़ियाँ दिखाओ, KTM और बुलेट तो दिखाते रहते हो आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप लोगों की डिमांड पर हम हाज़िर हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सारी गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ, इन सब के मॉडल बताऊँगा। अपाची देख सकते हैं आप, इसकी कंडीशन वगैरह सब कुछ बढ़िया रहती है, हर गाड़ी की बढ़िया कंडीशन। और ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर 2018 है मैक्सिमम, शायद एक आध गाड़ी नहीं है 2018, एक आध दो गाड़ी, बाकी ये तीन तो इन तीनों का तो मुझे पता है कि ये 2018 मॉडल है। और कंडीशन A1 है इनकी, कोई दिक्कत नहीं इनकी कंडीशन में। इसमें डिस्क भी है एंड इसमें भी डिस्क है पैशन प्रो में, तो पैशन में दोनों में डिस्क है और इधर अपाची में तो डिस्क हो गई और एफजेड में भी डिस्क होगा। तो ये सारी गाड़ियाँ चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, इनके मॉडल वगैरह बताता हूँ, इनकी प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। एंड इधर एफजेड एस खड़ी है, ये भी मैं दिखा दूँगा आपको। और साथ ही साथ में जुपिटर का एक नया मॉडल जो आया था ZX, वो भी खड़ा है यहाँ पे, तो इसकी भी कंडीशन वगैरह और इसके भी प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा। तो ये पोर्शन मैं पूरा आज कंप्लीट कर दूंगा और आपको दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरा रेंज वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं चलो। और एक बात और भाई, यहाँ पर अगर आप चाहें तो फाइनेंस करवा सकते हैं गाड़ी को और आराम से 30% डाउन पेमेंट देकर के 30-40% डाउन पेमेंट दे देंगे गाड़ी का, जो भी मेन प्राइस होगा उसका 30-40%। तो आप आराम से क्या नाम है यहाँ पर फाइनेंस करवा सकते हैं, दिल्ली वाले, लेकिन सिर्फ दिल्ली वाले पर्सन जो दिल्ली में रहता है, जिसके दिल्ली के ID है, जिसका दिल्ली में घर है, सिर्फ वो फाइनेंस करवा सकता है, ठीक है। तो आओ फाइनेंस करवाओ, उठाओ और ले जाओ, ठीक है। 2018 नई मॉडल गाड़ी खड़ी है यार, और जिसे लेनी है आओ जल्दी से। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को, दिखाते हैं आपको एक एक करके गाड़ियाँ सारी। चलो सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं पैशन प्रो खड़ी हुई है रेड एंड ब्लैक में, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में। एंड इसमें आगे डिस्क भी हैं जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था, ठीक है, आगे डिस्क हैं। और आप इसके एलॉयज वगैरह देख सकते हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं और कंडीशन एकदम A1 है। क्यों है ये भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये गाइस 2018 मॉडल है, 5 महीने पुरानी गाड़ी है और कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं A1 है यार। क्या बार बार मैं A1 करता रहता हूँ क्योंकि यार सारी गाड़ियाँ A1 होती हैं। एंड इधर आप देख सकते हैं कितनी चली हुई है, और ये 29 यानी 2942 किलोमीटर, ठीक है, 2942 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर चली हुई है ये, 2900 किलोमीटर, और बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की, चमक रही है पूरी गाड़ी। इसका टैंक वगैरह देख सकते हैं आप, टंकी पे कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं मिलेंगे आपको, ये देखो, ठीक है, कहीं पे भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलेंगे, पूरी चमकती हुई गाड़ी मिलेगी। सीट कवर्स वगैरह पूरे न्यू मिलेंगे आपको, ठीक है, टायर्स वगैरह पूरे ब्रांड न्यू लगा करके देंगे अगर आपको कोई दिक्कत होगी। वैसे 5 महीने चली हुई गाड़ी में कौन सी दिक्कत होगी, ठीक है। और ये सब पूरा पार्ट्स वगैरह सब कुछ अगर किसी में भी कोई दिक्कत होती है तो ये बदल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी यहाँ पे एक स्क्रैच है, इतना चलता है लेकिन, ठीक है भाई, इतना चलेगा, इतना तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर तुम ले रहे हो सेकंड हैंड गाड़ी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, A1 गाड़ी है, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि कितनी चली हुई है, 2900 किलोमीटर। इसका रेट मैंने आपको नहीं बताया शायद, 53,000 इसका रेट है, 53,000 रुपीज़ इसका रेट है, और बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है जब आप लेने के लिए आएंगे यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ पर आप लेने के लिए आएंगे तब आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा। 53,000 रुपये की ये यहाँ पे मिल रही है, 2900 किलोमीटर चली हुई है, 2018 मॉडल, ठीक है। तो नेक्स्ट गाड़ी आपको दिखाते हैं, सुपर स्प्लेंडर हीरो की i3S, ठीक है। इसकी कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि इसमें डिस्क नहीं है, ठीक है, ना आगे ना पीछे, इसमें आगे डिस्क है। तो इसमें आगे डिस्क नहीं है और कंडीशन में तो A1 है ही है माशाल्लाह पूरी। क्यों ये भी फिर से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी 2018 मॉडल है, ठीक है। एंड इसकी कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं, टायर्स में आपको आगे से दिखा देता हूँ, ब्रांड न्यू टायर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, टायर्स में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अलॉयज वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, टायर्स वगैरह एकदम बढ़िया मिलेंगे, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं होगी टायर्स में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी टंकी वगैरह, ठीक है, इसकी टंकी एकदम बढ़िया है, कहीं इसमें स्क्रैचेस नहीं है, इसमें भी गद्दी इसकी भी नहीं है। और कंडीशन आप देख ही सकते हैं, 2018 मॉडल है। और इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ, इसका रेट यहाँ पे मांगते हैं ये 52,000 रुपीज़, ठीक है, 52,000 रुपये इसका यहाँ पे मांगते हैं। कंडीशन आप देख ही रहे हैं,
और दिखा देता हूँ कितनी चली हुई है। तो ये चली हुई है 8496 किलोमीटर, ठीक है। तो 8496 किलोमीटर ये चली हुई है। और इसमें जो है वो एनालॉग मीटर है, और इसमें एनालॉग, इसमें भी एनालॉग मीटर है, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल है। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन है। और इधर आपको एनालॉग मिलता है, एनालॉग तो इधर भी है वैसे। बाकी कंडीशन इसकी A1 है, 52,000 रुपये इसके मांगते हैं। 2018 मॉडल है, 8,000 किलोमीटर चली हुई है। टायर वगैरह सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू है, बस आगे डिस्क नहीं है, इसमें आगे डिस्क है। और 1,000 का सिर्फ फ़र्क है, तो मेरे हिसाब से ये उठा लो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पैशन प्रो पे, ठीक है। ये थी हमारी पैशन एक्स प्रो, ठीक, ये है हमारी पैशन प्रो, ठीक है। पैशन प्रो में आप कंडीशन वगैरह देख ही सकते हैं, कंडीशन में कोई दिक्कत तो होती नहीं है यहाँ पे। और कंडीशन इसलिए, इसकी भी फिर से बता देता हूँ, ये भी 2018 मॉडल है, यानी ये तीनों गाड़ियाँ 2018 मॉडल है। और इसकी कंडीशन आप देख रहे हैं, और इसमें भी आगे डिस्क मिलेंगे आपको, ठीक है, और पीछे नहीं मिलेंगे, और इसके में इसमें कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे थोड़े से हैं, थोड़े बहुत हल्के स्क्रैचेस हैं, ठीक है, बहुत हल्के स्क्रैचेस हैं। और जो इसकी सीट कवर है ये भी न्यू है लग रही है देखने से, बाकी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन सही है, अच्छी है गद्दी की, ठीक है, सीट कवर की, तो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इधर रज वगैरह सब आप देख ही रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेस मुझे दिख रहे हैं अब, ठीक है, यहाँ पर स्क्रैचेस हैं थोड़े से। 2018 मॉडल है, और ये कितनी चली हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको इसके टायर्स की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, डिस्क है पहली बात, और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हैं इसके टायर्स की कंडीशन, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ये चली हुई है अराउंड, ये चली हुई है हमारी अराउंड 8,000 किलोमीटर, ठीक है, 8,000 किलोमीटर चली हुई है। 2018 मॉडल है, और इसके यहाँ पे मांगते हैं 51,000 रुपीज़, 51,000 रुपये इसके यहाँ पे मांगते हैं। एंड कंडीशन आप देख ही रहे हैं, बढ़िया है। तो ये हो गई 51,000 रुपये की, 51,000, ये हो गई 52,000 रुपये की, 52,000, ये हो गई 53,000 रुपये की, 53,000, ठीक है। तो ये तीनों गाड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं 1,000 के गैप में। 2018 मॉडल है, चली हुई मैंने आपको दिखा दी है कितनी कितनी है, ठीक है। बाकी कंडीशन इनकी सबकी तीनों की A1 है, इसमें थोड़े से स्क्रैचेस हैं, बाकी तीनों में मुझे जो रिकमेंड मैं जो करता हूँ वो ये करता हूँ, ठीक है। पैशन प्रो एक्स मॉडल भी अपर है, और 5 महीने पुरानी है, कम चली हुई है सबसे, और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, 2900 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अपाची आर टी आर 180, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं अपाची आर, जिसके बारे में मैंने कहा अभी आपको बताऊँगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसकी आप कंडीशन देखो, कंडीशन में यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं है कहीं, एक बात, ठीक है, इधर स्क्रैचेस आपको RTR 180 है एक दूसरी बात, और इधर थोड़े बहुत स्क्रैचेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैनेज करो। और ये देखो महंगी गाड़ी है, और यहाँ पर सिर्फ मिल रही है ये 70,000 रुपये की, तो थोड़ा बहुत तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सीट कवर्स आप देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है सीट कवर्स। एंड इसके टायर जो हैं वो न्यू लगाए गए हैं, क्योंकि देखने से पता चल रहे हैं, और ब्रांड न्यू टायर्स हैं। इसमें डिस्क है आगे और पीछे दोनों साइड, अपाची है भाई जानते ही हो, एंड TVS वालों भी। तो ये कितनी चली हुई है ये बता देता हूँ आपको मैं, ये चली हुई है 11,892 किलोमीटर, 11,859 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतनी चली हुई है, और ये 2017 मॉडल है, ठीक है, 2018 भी नहीं है, 2017 मॉडल है ये। और कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, 70,000 रुपये की है ये चली हुई, मैंने आपको दिखा दिया है कितना है। आगे से टायर्स की थोड़ी कंडीशन मैं आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ। ये है इसके टायर्स भाई, और डिस्क विस्क लगा हुआ है फुल एकदम बढ़िया वाला। एंड टायर्स इसके नए लगाए गए हैं TVS टायर्स के, एंड ट्यूबलेस हैं, तो बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेकर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा यहाँ पर नहीं आना है, अगर कोई दिक्कत आती है गाड़ी में 15-20 दिन में, 30 दिन में, 25 दिन में, तो आप यहाँ आ सकते हैं दिखाने कि भाई ये दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ से लेके गया था, तो ये उसे सॉल्व करेंगे किसी न किसी तरह, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये चारों गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ FZS,
ठीक है। चलो फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, ये है FZS 2016 मॉडल है और कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं इसकी, बढ़िया है। इसमें भी कहीं स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, थोड़े बहुत यहाँ पे हैं, ये है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है। और तो 2016 मॉडल है भाई, तो थोड़ा बहुत तो हो गई। एंड कंडीशन आप देख रहे हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं कंडीशन में। सीट कवर्स वगैरह ठीक हैं, ठीक है, पुराने वाले जो लगे हैं वही लगे हैं मेरे ख्याल से, और सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे, इसमें कोई कटा फटा नहीं है। और इधर से आप कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी चली हुई है ये, तो ये चली हुई है आप यहाँ देख सकते हैं 16,370 किलोमीटर, ठीक है, तो 16,369 किलोमीटर्स रन है ये। और कंडीशन में आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 2016 मॉडल है। और ये यहाँ पे आपको मिल रही है 55,000 रुपीज़ की। और ये देखो इसके टायर्स की कंडीशन, टायर्स आप देख सकते हैं, इसमें न्यू तो नहीं लगवाए गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं लग रहा क्या, नहीं लगवाए गए हैं। और डिस्क वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, प्रॉपर बढ़िया कंडीशन में मिलेगी गाड़ी। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे मिलेंगे, आप अपने नाम करवाना चाहें अपने नाम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, NOC वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको गाड़ी लेनी है तो बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई गाड़ी डिलीवर हो जाएगी? नहीं भाई, गाड़ी कोई भी डिलीवर नहीं होती है, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा पेपर वर्क के लिए, सब कुछ करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको गाड़ी खुद ले करके जानी पड़ेगी, चाहे ट्रांसपोर्ट से, चाहे चला कर, चाहे जैसे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप गाड़ी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, NOC वगैरह सब प्रोवाइड करवा देते हैं ये लोग। एंड लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हैं तो आपको कैश ही लेनी पड़ेगी गाड़ी, फाइनेंस नहीं हो पाएगी आपके लिए। और अगर आप दिल्ली के पर्सन हैं तो, और आपका दिल्ली का ID है, दिल्ली में घर है, तो आपका फाइनेंस वगैरह सब कुछ आराम से हो जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो पूरी मार्केट में रेट हैं, फाइनेंस रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम है, तो आप यहाँ पर आ करके फाइनेंस करवा सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको कहा था, मैं दिखा देता हूँ आपको जुपिटर ZX न्यू मॉडल जो आया था, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं TVS जुपिटर बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, 2017 मॉडल है। एंड आप यहाँ पे इसकी कंडीशन वगैरह सब कुछ देख ही सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी 44,000 रुपये की, 44,000 रुपीज़ की। और ये चली हुई है 11,275 किलोमीटर, यानी 11,000 किलोमीटर ये चली हुई है, 11,000 किलोमीटर। और इसमें सबसे मेन बात कि अलॉयज़ आते हैं डिस्क के साथ, ठीक है, तो इसमें यार आपको डिस्क मिल रहा है अलॉयज़ के साथ 44,000 रुपये में, मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट डील है, ठीक है। और इस रेंज में डिस्क वगैरह, अलॉयज़, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं भाई, एक्टिवा वगैरह में तो नहीं मिल पाती हैं। लेकिन कंडीशन इसकी बहुत ही बढ़िया है, कंडीशन आप देख सकते हैं पूरी चमक रही है गाड़ी, इसका आपका फुल्ली इंश्योर्ड गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे मिलेंगे, NOC वगैरह जो मर्जी वो चाहिए आपको सब मिलेगा इसमें, ठीक है। डिस्क ब्रेक है इसमें और यहाँ पे लिखा ही हुआ है जैसे कि, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर ZX, ठीक है, तो कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है, सीट कवर्स वगैरह ब्राउन कलर में एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सीट कवर्स में। एंड इधर आप देख सकते हैं, इधर के हालात ऐसे कुछ हैं, आप ये देख ही सकते हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं लग रही गाड़ी में। और यहाँ इसका पेट्रोल पीछे से निकलता है, पुश लॉक होता है ये, ठीक है। एंड पीछे के अलॉयज वगैरह आप देख सकते हैं, टायर्स देख सकते हैं, इसमें ब्रांड न्यू लगे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए पूरी कंडीशन गाड़ी की, कंडीशन एकदम A1 है, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी की। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इधर FZS, ठीक है, यामाहा की बाइक है, बढ़िया आगे डिस्क मिलते हैं इसमें, पीछे डिस्क नहीं मिलते हैं इसमें, ठीक है। FZS ये 2015 मॉडल है और इसकी जो कंडीशन है आप ये देख ही रहे हैं, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में। ये 12,000 किलोमीटर चली हुई है और इसमें डिस्क वगैरह आपको मिल जाएंगे, सब कुछ बढ़िया, कंडीशन एकदम A1 है, कोई दिक्कत नहीं कंडीशन में, ठीक है। तो मतलब उनके लिए जो कम रेंज की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं खाली अपने काम के लिए, जैसे कहीं पे किसी का रोज़ चलने का काम होता है, ठीक है, तो जैसे काम वाम के लिए लेनी है ना, वो यहाँ पे गाड़ी आराम से उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, नई गाड़ी नहीं लेनी होती ऐसे बंदों को, तो वो लोग ये गाड़ियाँ ले सकते हैं। और कंडीशन एकदम A1 है, देख सकते हैं आप, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, पेपर वर्क पूरा मिलेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बढ़िया है, ठीक है। तो आओ, ये सारी गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं, आप आकर यहाँ पे ले सकते हैं। चलो फिर चलते हैं आपको
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एड्रेस और नंबर मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चलो।